गाइस हेलो एवरीवन, कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करते हैं, कंप्यूटर का क्लास। जीमेल पढ़ रहे हैं। जीमेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बताया था। इसके लिए आपके पास अपना अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो कैसे जीमेल खोलते हैं, आज ये देखते हैं। ये गूगल का मेल है और जीमेल अकाउंट के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, ये भी आपको बताया था। जीमेल कैसे खोलते हैं, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर खोलेंगे। कंप्यूटर खोलने के बाद मैंने विंडो की प्रेस करके यहाँ पे खोल लिया है। GOOG ये लिखा और मेरे सामने आ गया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे एंटर कर दिया। नहीं आता तो डाउन एरो से मैं देख लेती, मिल जाता मुझे गूगल क्रोम। मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ एड्रेस बार की कमांड दे दी, ऑल्ट डी से एड्रेस बार खुल गया। अब एड्रेस बार खुला है, मैं यहाँ लिख रही हूँ www.gmail.com। ये एंटर कर दिया, ये मेरा जीमेल खुल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो है इसे विंडो की प्रेस करके और यहाँ पर MO से मोजिला या INT लिख के इंटरनेट एक्सप्लोरर, या तो ये ब्राउज़र्स में सामने आ जाएंगे, नहीं तो डाउन एरो करेंगे तो मिल जाएंगे। एंटर करेंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई मोजिला, गूगल क्रोम तो देगा नहीं, कोई नोटिफिकेशन देता है तो एक बार एंटर और कर दें और ऑल्ट डी करें और फिर लिखें www.gmail.com। अभी लिखना बताया है। ये आपका तीनों से खोलने का तरीका बता दिया। फोर्थ मेथड ये है कि आप रन डायलॉग से खोलें, विंडो आर करें। विंडो आर करके बोलेगा टाइप द फाइल्स प्रोग्राम्स फोल्डर और इंटरनेट रिसोर्सेज, यहाँ पे लिखेंगे www.gmail.com और एंटर कर देंगे। यहाँ पे एड्रेस बार की कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, वो जब हम ब्राउज़र खोलेंगे तो वो हमें देना है। लेकिन जब रन डायलॉग में हमने www.gmail.com खोल के एंटर किया है, लिख के एंटर किया है, क्या लिखा विंडो आर करके www.gmail.com एंटर, तो ये समझ लीजिए कि ये उस ब्राउज़र से खुलेगा जो प्रीवियस टाइम हम वर्किंग थे, क्या जिससे हम प्रीवियस टाइम वर्किंग थे उसी ब्राउज़र से खुलेगा। थोड़ी देर में 30 सेकंड बाद टाइटल चेक करें और कंट्रोल होम कर लें। अगर आपने जीमेल में पहले से अकाउंट किसी और ने साइन इन कर रखे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाता है क्या चूज एन अदर अकाउंट्स, और डाउन एरो से आप देख सकते हैं कितने अकाउंट आपके पहले सिस्टम पे खुल चुके हैं। और अगर ये सारे ऑप्शन नहीं हैं, चूज एन अदर अकाउंट का नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, क्या ऐड अकाउंट। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतनी कर लेंगे प्रैक्टिस पहले इतना आ जाएगा, तो फिर मैं बताऊँगी कि अकाउंट हम पहले कैसे खोलेंगे, वो खोलना बताऊँगी आपको, और फिर हम उसमें नेविगेट कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ये बताऊंगी, फिर ईमेल रीडिंग और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले आज आपको दिखाया कि जीमेल खोलेंगे कैसे, ठीक, हल अकाउंट खोलना सीखेंगे। और हम जीमेल खोलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, और टाइटल हर जगह चेक करें इंसर्टी से। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, थैंक यू। और जीमेल आपका मोबाइल कंप्यूटर किसी में भी, दोनों में वर्क करता है, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है, सुन लीजिए थोड़ा सा, मोबाइल में तो क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे अकाउंट खोल करके रख सकते हैं और जिस अकाउंट पे चाहें स्विच कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको फिर अलग से टैब खोलना पड़ेगा, अलग से फिर से, जैसे विंडो आर से आपने www.gmail.com लिख के एंटर किया, यहाँ आपने एक ID खोल रखी है। अब आप इसके लिए अगर दूसरी भी ID खोलना चाहते हैं तो आपको फिर से कोई ब्राउज़र खोल के ऑल्ट डी करके या फिर अगेन रन डायलॉग खोल के जीमेल खोलना पड़ेगा और दूसरी ID खोलेंगे और आपको ऑल टैब से स्विच करना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल में क्या होता है कि जो बस ये कंप्यूटर में सिस्टम में ये हैंग करता है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जीमेल का एक बहुत अच्छा फंक्शन ये भी है कि मोबाइल में तो ये रहता है कि आप एक ही जगह जीमेल में आपको दूसरे टैब्स नहीं खोलने पड़ते, लेकिन सिस्टम में आपको जीमेल पे अगर डिफरेंट डिफरेंट IDs खोलेंगे
तो वो स्विच करने के लिए टैब खोलने पड़ेंगे। अभी हमने तो जीमेल में सिर्फ शुरुआत की है, अब हम धीरे धीरे आपको बताना और छोटे छोटे ट्यूटोरियल बना के सिखाना शुरू करेंगे, ताकि छोटा इसलिए क्योंकि सब कुछ ओरल होता है, आप प्रैक्टिस कर पाएँ। यही चीज़ मैं अगर करके दिखाऊंगी तो इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मैं मुँह से बता रही हूँ तो 5 या 4 मिनट में ये बहुत हो जाता है। तो 15 = 15 कैसे बनता है, जब कंप्यूटर पे उसमें बहुत टाइम ज़ाया भी होता है, और कंप्यूटर हो तो चलो इंसान बता भी दे, लेकिन जब मैं इतना अच्छा आपको बता सकती हूँ ओरली, तो क्यों ना मैं ओरल बताऊँ और आपसे प्रैक्टिस करवाऊँ। क्या है, कंप्यूटर हो या ना हो, इसे मेरी वीकनेस नहीं बनाना चाहिए मुझे। मुझे जब आती है जो चीज़ वो अच्छे से मैं आपको, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकती हूँ जिनके पास सिस्टम है और वो फिर भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, तो मेरी तरफ से बेहतरीन आपको कंटेंट मिल रहा है, आप पढ़ें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।